हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म, और आज अपन पढ़ने वाले हैं डिवीजन बाय टी। तो ऐसे बच्चे जो अभी इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं बेटा, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को जाके देखिए प्लेलिस्ट में, तभी जाके आपको आज के लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है बेटा? चलिए, और लेक्चर बेटा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं एक बार में शूट कर रहा हूँ ताकि मेरा रिदम ना टूटे। तो आप बेटा इसको चाहो तो दो बार में देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एक लेक्चर है तो फिलहाल आपको एक ही बार में देखना है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैं एक बार में शूट कर रहा हूं तो आप दो बार में पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा? चलिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है? तो बेटा सबसे पहला जो हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे, वो पढ़े थे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। क्या होता है बेटा? फंक्शन ऑफ एस होता है। ये हमने क्या किया था बेटा, पहले क्लास में पढ़ा था, और जहां पर हमने बेसिक फॉर्मूलेस को देखा था। फिर जो हमारा दूसरा क्लास था बेटा, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी में ई का पावर ए टी भी आ जाए, मतलब इस फंक्शन ऑफ टी के साथ ई का पावर ए टी भी आ जाए, तो उसको हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग की हेल्प से करते थे, e का पावर ए टी फंक्शन ऑफ टी। तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ता था बेटा, फंक्शन ऑफ s हो जाता था s माइनस a, जिसके बारे में हम लोगों ने एक पूरे क्लास में मान के चलिए क्वेश्चंस करे थे, ठीक है? उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इस फंक्शन ऑफ t में t का पावर n आ जाए मल्टीप्लाई में, e का पावर a t नहीं बेटा, t का पावर n, ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी के साथ टी का पावर एन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन का पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन फंक्शन ऑफ एस। और ये लेक्चर बहुत लंबा हुआ था, ठीक है बेटा? चलिए, तो हम लोगों ने वहां पर बेसिक कंप्लीट करा था, और आज अपन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आज का जो टॉपिक है बेटा वो होगा डिवीजन बाय टी, ठीक है? चलिए, तो हम सबको पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ एस होता है, ठीक है? अगर हम लोग चाहते हैं कि फंक्शन ऑफ टी में क्या हो जाए, टी डिवाइड में आए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन का डिमांड ऐसा हो जहां पर आपका क्या है, टी डिवाइड में, टी का पावर एन नहीं बोल रहा हूं बेटा, ना टी स्क्वायर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टी बोल रहा हूं, ठीक है? तो इसे आप टी का पावर एन ना समझे, ना टी स्क्वायर समझे, मैं सिर्फ और सिर्फ टी की बात आपसे यहां पर कर रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो आप अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी में क्या कर दो बेटा, टी को डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन लिमिट एस से लेकर इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एस को विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल डीएस, ठीक है बेटा? चलिए, बहुत सिंपल है, देखो इसको इतना लेंदी नहीं बनाना, जब जो चीज सिंपल होता है ना बेटा, उसको बिना मतलब का अपन को लेंदी नहीं बनाना। सिंपल सी बात है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी में आप अगर आप टी डिवाइड करना चाहते हो, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द लिमिट एस से लेकर इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एस डीएस, ठीक है बेटा? चल, ये तो थ्योरी हो गया। मेरा हमेशा से ये मानना है कि थ्योरी से ज्यादा जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब जाके थ्योरी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आता है कि सर कहना क्या चाह रहे थे। चलिए बेटा, जब हम ये क्वेश्चन इसके लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, तो वो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए, वैसे बहुत बच्चों को पता भी होगा। पहला फॉर्मूला है बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी का, जो कि होता है लॉग ए बी, ठीक है बेटा? दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी का, जो कि होता है लॉग ए अपॉन बी, ठीक है बेटा? और तीसरा फॉर्मूला, खैर इसका यूज नहीं होगा फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, ए लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा log x का पावर a, ठीक है बेटा? चलिए, मतलब अगर हम लोग t डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा s से लेकर इंफिनिटी के लिमिट पे, तो बेटा इसको आप नोट कर लो, ठीक है? उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, तो वहां से चीजें क्लियर होंगी, और आज के जो क्वेश्चंस करेंगे वो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है बेटा, और इवन लास्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग गेट के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मन में सवाल आ रहा है क्या आपका कि सर क्या लिखकर देगा क्या? भाई मेरे, लिखकर नहीं देगा कभी भी, आप क्वेश्चन को देखकर क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। देखिए,
अगर आपको क्वेश्चन में e का पावर 80 दिखेगा, आप समझ जाओगे फर्स्ट शिफ्टिंग से करना है। आपको क्वेश्चन में t का पावर n जैसा कुछ मल्टीप्लाई दिखेगा, तो आप समझ जाओगे मल्टीप्लीकेशन बाय t के पावर n के फॉर्मूले से करना है। आपको दिखेगा कि t डिवाइड में है, तो अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे करना है। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब बहुत बच्चों के मन में ये भी सवाल हो रहा है, सर अगर दोनों हुआ तो? हो सकता है भाई, हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि t के पावर n के साथ e का पावर 80 भी हो और डिवीजन बाय टी के साथ ई का पावर 80 हो। मैंने तो बोला था मिक्सअप कंसेप्ट आएगा। तो आज का खैर क्लास के बाद जो हम लोग अगला क्लास करेंगे बेटा, उसमें लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप अपने यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस कर पाओगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। ठीक है बेटा, चलिए। और देखो यार, अगर मैं क्लासेस लंबा ले रहा हूं क्योंकि लैपलास मेरा फेवरेट है, खुद से पढ़ी हुई चीजें, खुद से दिया हुआ कंसेप्ट, मतलब भिड़ गया इसमें, उसके बाद जो चीजें निकल कर आई माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलिए, सो मेरा प्यारा बच्चा आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? टी डिवाइड में दिख रहा है। ऐसे भी लिख के दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे सकता है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर टी क्या है बेटा? डिवाइड में। तो आप, हम लोग क्या करेंगे, टी को छोड़कर बाकी जो ऊपर जो फंक्शन ऑफ टी है उसका क्या करेंगे बेटा? लैपलास ट्रांसफॉर्म खोज लेंगे। ठीक है, तो चलो ऊपर क्या है, 1 माइनस ई का पावर टी। तो हम लोग सबसे पहले लैपलास खोज लेंगे 1 माइनस ई का पावर टी का। ठीक है बेटा, अगर इसका हम लोग चाहते हैं कि लैपलास निकालें तो मेरा प्यारा बच्चा बारी बारी निकालना पड़ेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 1t लिख देते हैं क्योंकि यहां पर अभी जरूरत पड़ेगा। देख लो बेटा फिर से, डिवीजन बाय टी हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले क्या करते हैं जो ऊपर वाला जो फंक्शन है टी को छोड़कर उसका क्या करते हैं, पहले लैपलास निकाल लेते हैं। तो लैपलास किसका निकालना बेटा? 1 माइनस ई का पावर टी का। तो यहां पे माइनस में तो बारी बारी निकलेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी है, तो मैंने क्या लिखा, 1t लिखा है। एक फॉर्मूला मैंने आपको सेकंड क्लास में ऐड करवाया था, वो फर्स्ट क्लास में छूट गया था, तो मैंने सेकंड क्लास में आपको एक फॉर्मूला ऐड करवाया था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। ये मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर टी का। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1 अपॉन एस, ठीक है, माइनस ई का पावर 80 का क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए। ए की जगह पर कौन है बेटा? 1 है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, तो हमने क्या किया, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर टी निकाल लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में नहीं करवाया था, अभी करवा दिया, बहुत सिंपल है, ई का पावर 80 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, ए की जगह पर कौन है बेटा? 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस 1। चलिए बेटा, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इंक्लूड करेंगे डिवीजन बाय टी। तो आप सभी गधे को पता है इंक्लूडिंग मी कि जब डिवीजन बाय टी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर क्या लेकर आएंगे, यहां पर लेके आएंगे डिवीजन बाय टी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ टी मान लो, अगर इसमें हम लोग टी डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे बेटा, ऐसा नहीं कि आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। 1 माइनस ई का पावर टी, यहां पे t डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा s से लेकर इंफिनिटी 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 ds। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या था हमारा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e का पावर t अपॉन t। हमने क्या किया बेटा, t को छोड़कर पहले इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। क्या निकला, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर टी निकला 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1। ठीक है, आज हम लोग नया रूल पढ़ रहे हैं कि जब डिवीजन बाय टी रहे, हम चाहते हैं कि यहां पर टी डिवाइड में आए, तो बेटा यहां पर टी डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीजिए टी यहां पर हमने क्या किया बेटा, डिवीजन में ले आए, तो जब हमारा टी डिवाइड में आ जाएगा बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट कर देंगे एस से लेकर इंफिनिटी तक। बहुत सिंपल है भाई, एकदम बेवकूफ नहीं बनना कि अगर आप फंक्शन ऑफ टी में टी डिवाइड करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द लिमिट एस से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, चलो समझ में आया होगा, ऐसा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेहनत करेंगे सब, बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा,
ठीक है, लाइट बहुत जा रही है यहाँ पर, एंड क्या बोलूं भाई, बहुत संघर्ष है जिंदगी में। चलिए, तो मतलब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। चलो, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, एस से लेकर इंफिनिटी, वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस माइनस वन डी एस। ठीक है बेटा, चलिए, आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। क्यों बेटा, पता है ना? तो देखो, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एस क्या हो जाएगा बेटा, जब हम लोग वन अपॉन एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एस। ठीक है, तो जब बेटा वन अपॉन एस का लॉग एस हो जाएगा तो वन अपॉन एस माइनस वन का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस लॉग एस माइनस वन, एस से लेकर इंफिनिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, लॉग एक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो वन अपॉन एस का क्या हो जाएगा, लॉग एस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर वन अपॉन एस माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एस माइनस वन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बेटा, लॉग ए अपॉन बी। ठीक है बेटा, नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे खुदी, है ना? तो ये हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा लॉग एस अपॉन एस माइनस वन, एस से लेकर इंफिनिटी। देख लो, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि ए के जगह पर क्या है बेटा, ए के जगह पर एस है, और बी के जगह पर क्या है बेटा, एस माइनस वन। ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना? अब क्या होगा बेटा, हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा बात नहीं, आ सकता है एग्जाम में आपके। चलो, तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, लॉग एस अपॉन एस माइनस वन, एस से लेकर इंफिनिटी। चलो, पहले एस की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन माइनस, फिर बेटा एस के जगह पर एस ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एस अपॉन एस माइनस वन। ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस लॉग एस अपॉन एस माइनस वन, तो ये क्या निकला बेटा, माइनस लॉग एस अपॉन एस माइनस वन। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस ई का पावर टी अपॉन टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा माइनस लॉग एस अपॉन एस माइनस वन। ठीक है बेटा, और ये सब क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में चाव से पूछे जाते हैं। इवन लॉग का जो फॉर्मूला यूज हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मैंने आपको यहां बता दिया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चंस पूछने की वो सारी मैं आपको बता दूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं। अहम आज कल अच्छा नहीं दिख रहा, वोल्टेज कम है, पंखा तक हिल रहा है, क्या बताऊं, खैर कोई बात नहीं। चलिए बेटा, इसको आप नोट कर लिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जहां से चीजें आपको और क्लियर होंगी। सो नोटेड बच्चा पार्टी नोट एट, चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा कि यहां पर क्या है, डिवीजन बाय टी है, मतलब यहां पर इंटीग्रेशन वाला जो कंसेप्ट है जो हमने आज सीखा है वो यहां पर लगेगा। चलिए, तो कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस टी को छोड़कर ये जो ऊपर वाला है इसका क्या करो बेटा, आप सबसे पहले लैपलास निकाल लो, एंड उसके बाद क्या करो बेटा, नीचे टी को ले आओ। तो जब नीचे टी को लेकर आएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं ना, यहां से करते हैं, एकदम समझ में आएगा बेटा। चलो, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा बेटा, बारी बारी निकालेंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो जाएगा cos ए टी माइनस कॉस बी टी इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों
लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 80 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर bt का निकालेंगे तो यहां पर a की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, b आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, cos at माइनस cos bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि ये निकला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए अगर यहां पर डिवीजन बाय t आ जाता है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक तरह से क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अपन को इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा आपका डिवीजन बाय टी, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी। तो यहां पर टी आपका डिवाइड में आ गया बेटा, तो जब t आपका डिवाइड में आएगा तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन s से लेकर इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ds, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो एक बार अच्छे से, आप एक बार अच्छे से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, कि जब डिवीजन बाय t हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे बेटा, ये राइट हैंड साइड है, यहां पर s से लेकर इंफिनिटी तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ds, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। देख लो पहले इसका निकाला बहुत अच्छे से, डिविजन बाय टी लेकर आए, तो देखो टी जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट होगा विथ लिमिट s से लेकर इंफिनिटी, ठीक है बेटा। चलो इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, है ना, इजी है बेटा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ो, है ना। अगला क्लास और भी अच्छा होगा, जहां पर मिक्सअप क्वेश्चन करवाएंगे, हो सकता है अगला क्लास हमारा लास्ट डेमो होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इंजॉय कीजिएगा, और अदरवाइज क्या ही बोले, है ना। अरे यार सर भाई क्या बोले, बातें करूंगा आज, पढ़ा लेता हूं, अगले क्लास में बातें करूंगा, ठीक है आज पढ़ा लेता हूं। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। एक काम करते हैं यहां पर, ठीक है, टू से डिवाइड करते हैं और टू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा। चलो तो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, ठीक है, एस से लेकर इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ds, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो हमने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों किया ये आपको भी पता चल जाएगा। चलो इस ऊपर वाले 2 को क्या करो बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एस से लेकर इंफिनिटी 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए बेटा तो आपको तो खैर ये बात तो खैर पता है, 11 12 अगर आप पढ़कर आए तो वहां पर ऐसा कांड बहुत होता था, 2 से प्लस कर दो, 2 से माइनस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। चलिए तो इसमें तो खैर किसी बच्चों को तकलीफ नहीं होगा कि हाँ भाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 2 से क्यों डिवाइड किए। देखो मान लो आपके पास 4 है, आप क्या करते हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हो, तो 2 2 कट जाएगा, फिर बचेगा क्या आपके पास, 4 ही बचेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से डिवाइड करो। अब आप बोलोगे सर बड़ा ज्ञान दे दिए, अब काम की बात कर लो, ज्ञानी देने लगते हैं, ज्ञान बाबा बनने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर ज्ञानी बाबा बनने लगते हैं। देखिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड करा, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए क्लास 11 12 में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। अगर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट है, अगर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है
तो नीचे वाले का लॉग का फंक्शन वो होता है, मतलब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला वैल्यू आ जाए तो लॉग नीचे वाला होता है भाई, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो यहां पर देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2s आएगा। देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को करोगे, एस स्क्वायर का 2s, ए स्क्वायर का 0, तो ये कितना हो गया 2s। देख लो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ऊपर कितना आ गया 2s आ गया। एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2s आएगा, देखो ऊपर क्या है 2s। इसका मतलब ये बेटा कि नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉग नीचे वाला इसका बन जाएगा और लॉग नीचे वाला इसका बन जाएगा, ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वो वैल्यू आ जाए तो वो क्या होता है लॉग नीचे वाला। तो लॉग नीचे वाला यहां पे कौन बेटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2s आएगा, करके दिखा दिया वहां पर। एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करोगे तो भी क्या आएगा 2s आएगा, मतलब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला वैल्यू आ जा रहा है। चलो इतना बाबू सोना नहीं बनने का, लेकिन फिर भी मैंने बाबू सोना आप लोगों को बना के रखा। फिर भी किसी बच्चे को तकलीफ होगा आएगा, मतलब बहुत से बच्चे आते हैं वीडियो पे। अब जैसे कि स्टार्टिंग वाला फॉर्मूले वाला वीडियो था ना, उस पर 2-3 बच्चों ने डिसलाइक कर दिया। बच्चों क्या है, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं भाई, ग्रोथ से जलते हैं, जलो अपनी जगह पर यार। फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है मैंने बेकार पढ़ा, मैंने 2 बार उस वीडियो को देख लिया बिना मतलब का। यार एक्चुअली में हम लोगों ने इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं बनाया ना, आप एक अच्छे रिव्यू दो, आप पढ़ो, है ना। नहीं समझ में आया प्रॉपर कमेंट करोगे, सर आपने ये अच्छा नहीं पढ़ा, आपने वो अच्छा नहीं पढ़ा, तो उसको इंसान क्या करेगा, सुधारेगा। आप देखो अगर ये इसका लेक्चर है, ये तो साला मतलब ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको डिसलाइक कर दो, क्या मतलब है? चलो कोई बात नहीं, है ना, मेहनत करना है बेटा, और मेहनत ही तो कर रहे हैं, कौन सा हम लोग मैं बेकार काम कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, वो है मेहनत करना, जो ईमानदारी से कर रहा हूँ। चलो तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि मैं ब्रैकेट हमेशा गलत देता हूँ, ठीक है। चलो सही बेटा, देख लो कटा तो नहीं ना कहीं पे, सब कुछ बढ़िया है। देख लो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, है ना, तो देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बेटा, लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। यहां पर लिमिट छूट रहा है, लिमिट क्या एस से लेकर इंफिनिटी, पहले लिमिट पर पुट करना, पहले ये प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा लॉग को सॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस से लेकर इंफिनिटी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। चलो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा तो एस के जगह पर एस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। देख लो अपर लिमिट मतलब क्या, एस के जगह पर इन्फिनिटी आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट एस के जगह पर एस ही आएगा, तो वो सेम टू सेम वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो इन्फिनिटी वाला पार्ट है बेटा ये जीरो हो जाएगा, है ना। ये खैर लिमिट तो पुट करना आपको आता ही होगा, मैथमेटिक्स 3 पढ़ा रहे, 1 पढ़ाते हो तो एक बात भी होता है ना। चलो तो ये जो इन्फिनिटी वाला पार्ट है बेटा लॉग का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो जीरो माइनस दिस ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस दिस माइनस में ये माइनस आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप माई डियर फ्रेंड ये आपको समझ में आया होगा, और यूनिवर्सिटी में बड़ा चाव से ये क्वेश्चन पूछता है,
हमने क्या बोला था बेटा, वीडियो लंबा होगा, शुरू हम लोग जीरो से करेंगे, लेकिन आखिर में गेट एग्जामिनेशन का सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया क्वेश्चन वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर अपन एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं जहां से चीजें और क्लियर होंगी। सो नोटेड बच्चा, पार्टी नोट एट। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को लिखवाया। तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या है, डिवीजन बाय टी है। साफ साफ दिख रहा है कि क्या है बेटा, डिवीजन बाय टी है, मतलब ये जो आज हमने सीखा है वो वाला नियम लगेगा। चलिए तो टी को छोड़कर बेटा ऊपर वाले का क्या करो आप, लैपलास निकाल दो। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी निकालना है। ठीक है, चलिए पता नहीं आज पेन को भी मेरे क्या हो गया, अब चेंज कर दूंगा पेन को। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों ये निकलेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस बी टी। ठीक है, हमने क्या बेटा किया, टी को छोड़कर ऊपर वाले का क्या करो आप, लैपलास निकाल दो। तो यहां माइनस में है तो वन बाय वन निकलेगा। ठीक है बेटा, चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए। तो बेटा अगर इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग जाएंगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस प्लस ए, क्योंकि जब यहां प्लस होता है तो यहां पर माइनस होता है, जब यहां पर माइनस होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर प्लस होगा, है ना। तो मैं बस आपको बता दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए इन सब छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसना बेटा। ठीक है, हाँ फंसना है तो अच्छी चीजों में फंसना है, बड़ी चीजों में, छोटी चीजों में नहीं फंसना है कि लगे आप छोटी चीजों में फंस गए हैं और रो रहे हैं कि सर हमको नहीं आया, बहुत मार मार। देखो तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए, या तो एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो कि यहां पर माइनस माइनस ए कर दो, क्योंकि ई का पावर ए टी क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए, ए के जगह पर कौन है बेटा, माइनस ए है। ठीक है, चलो इसका भी वही होगा, वन अपॉन एस माइनस माइनस बी, क्योंकि ई का पावर ए टी का क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए होता है। तो यहां पर क्या बेटा, ए के जगह पर माइनस बी है, तो ए के जगह पर माइनस बी आ गया फॉर्मूले में। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी ई का पावर माइनस बी टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एस प्लस ए माइनस वन अपॉन एस प्लस बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इन सब में मत उलझना बेटा। ठीक है, देख लो फिर से, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी क्या होता है, ई का पावर ए टी होता है वन अपॉन एस माइनस ए। तो बेटा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी निकालेंगे तो ए के जगह पर क्या है बेटा, माइनस ए है, तो यहां पर भी ए के जगह पर क्या होगा, माइनस ए होगा। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस माइनस ए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर डिवीजन बाय टी का कंसेप्ट लगा देंगे। तो अगर हम लोग यहां पर टी से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा बेटा, अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, डिवीजन बाय टी। ठीक है बेटा, चलो तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी अपॉन में टी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एस से लेकर इंफिनिटी वन अपॉन एस प्लस ए माइनस वन अपॉन, एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लो, पेन भी यार पता नहीं क्या हो रहा। देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में टी से डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन एस से लेकर इंफिनिटी वन अपॉन एस प्लस ए माइनस वन अपॉन एस प्लस बी डी एस। ठीक है बेटा, चलिए बहुत इजी कंसेप्ट है, डिवीजन बाय टी तो थोड़ा इजी है, क्या आप आराम से क्या कीजिए, लैपलास निकाल लीजिए और उसके बाद टी से डिवाइड कर दिए तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा
विथ लिमिट एस से लेकर इंफिनिटी तक। चलिए यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट करो बेटा, है ना। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, गर्मी बहुत है लेकिन मजा आता है, मेरा फेवरेट है लाप्लास भाई। हो सकता है यहां के बाद ब्रेक ले लेना, 5-10 मिनट का और क्लास चलेगा, ठीक है। इजी था ये क्लास, मतलब बड़ा आराम से चला गया, है ना। एस से लेकर इंफिनिटी, 1/s + a - 1/s + b, ठीक है, ds। चलिए बेटा सिर्फ क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को अपन सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है कि हम सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 1/x को तो क्या आता है बेटा, log x आता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर, क्योंकि s भी पॉजिटिव है और ये s भी यहां सामने में पॉजिटिव है, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर बेटा 1/s + a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/s + a का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, मैं परेशान हो रहा हूं पेन से, पता बह रहा है इतना, चलो फिर से देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है बेटा, log x होता है। तो 1/s + a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/s + a का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों log s + a, ठीक है। चलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/s + b का क्या हो जाएगा बेटा, log s + b, ठीक है, s से लेकर इंफिनिटी। फिर से देख लो बेटा, 1/x का होता है log x, तो 1/s + a का क्या हो जाएगा बेटा, log s + a। 1/x का होता है log x, तो 1/s + b का क्या हो जाएगा, log s + b। चलो अब यहां पर पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ log का, log a माइनस log b क्या होता है बेटा, ये होता है log a अपॉन b। तो देखो a की जगह पर कौन है, ये है, और b की जगह पर कौन है बेटा, ये। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों log s + a / s + b, s से लेकर इंफिनिटी, ठीक है बेटा। चलिए log a माइनस log b log a अपॉन b, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो पहले अपर लिमिट पुट होगा s के जगह पर इंफिनिटी, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log इंफिनिटी प्लस a अपॉन इंफिनिटी प्लस b माइनस log s के जगह पर, तो ऐसे पुट हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा s + a / s + b, ठीक है। तो ये वाला टर्म बेटा जीरो हो जाएगा, इंफिनिटी रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब जो भी आपको दिखेगा जहां पर इंफिनिटी log वाले में, उसको जीरो कर देना, ठीक है। उतना माथा पेची नहीं करना है कि अब इसको लगे सॉल्व करने कि सर कैसे होगा, हमसे तो बना ही नहीं। चलो ठीक है बेटा, तो ये जीरो हो गया, और ये हो गया log s + a / s + b, तो ये हो गया माइनस log s + a / s + b, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या है बेटा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^(a t - e^-b t)/t का लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस log s + a / s + b, ठीक है। चलो अगर एग्जाम में टाइम रहेगा तो इस तरीके से लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है बेटा। और देखो मैं खुद पढ़ाता हूं ना, मुझे लग रहा है कि नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और उस कंसेप्ट में एक क्वेश्चन जो है गेट में, वो मेरे प्यारे बच्चों 4 बार पूछा, मतलब इतना कभी भी कोई क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं किया है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात की जाए, तो बुक की बात की जाए, तो बुक में वो कंसेप्ट नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा बच्चा जब अच्छे से पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो वो थोड़ा सा एक दो चीज अगर एक्स्ट्रा सीख लेगा तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। कि रोने मत लगना, अरे यार फीस ज्यादा मांगते तो रोते कि सर हम नहीं भैया, हम गेट का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा दिए, हमको अब चाहिए 10,000 फीस, तब रोते, फीस तो नहीं ले रहे आप लोगों से, ठीक है। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं एक कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन। सो नोटेड बच्चा पार्टी नोट 8, चलिए
चलिए माय डियर फ्रेंड, एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पे गेट एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एक दो बार किसी यूनिवर्सिटी में पूछा है। चलिए तो बेसिकली देखो कंसेप्ट क्या, मैं एकदम सीधी सीधी सी बात बताता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट का आपको उल्टा लैपलास इनवर्स में यूज करना है और इस कंसेप्ट के उल्टे से भी गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलिए तो मान लीजिए आप एक सीधे साधे बच्चे हो, बोलोगे हाँ सर हम सीधे साधे बच्चे हैं एंड आप कोई क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म का सॉल्व कर रहे हो और आपको उस क्वेश्चन में क्या दिखता है बेटा, इंटीग्रेशन जीरो से टी डीटी आपको दिखता है, ये टर्म आपको दिख रहा है क्वेश्चन के साथ ही चिपका हुआ है, इंटीग्रेशन जीरो से टी डीटी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है सर, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही मुश्किल में जिंदगी चल रहा है और ऊपर में सर ये जीरो से टी डीटी। कोई बात नहीं बेटा, आप पहले क्या करना, अंधे बन जाना, आप ये जीरो से लेकर टी डीटी को मत देखना, बिना देखे जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है उसको क्या करना बेटा, निकालना। ठीक है, और जब आप पूरा लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे बेटा तो फिर आप इसको इंक्लूड करना जीरो से टी डीटी को, तो बस राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, सिर्फ वन अपॉन एस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, या तो एस से आपको डिवाइड कर दो, जैसा बोल दो आप मल्टीप्लाई कर दो वन अपॉन एस से, चाहे एस से क्या करना आपको डिवाइड कर देना। फिर से मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप भूल जाना कि क्वेश्चन में जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डीटी, आप अगर इसे इंक्लूड करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको वन अपॉन एस डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी का उल्टा आपको लैपलास इनवर्स में पढ़ना है कि जब आपका वन अपॉन एस रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। और ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा, अच्छे क्वेश्चंस को हिट करता है, अगर एक दो बच्चा हो सकता आगे चल के गेट क्वालिफाई कर, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो कितनी अच्छी बात है ना, दो मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, चलो क्या है बेटा, अगर आप जीरो से लेकर टी डीटी को इंक्लूड करते हो तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, बस आपको एस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, फटाफट मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए आपका। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, गेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, चार बार पूछा है भाई, फंक्शन ऑफ टी जीरो से टी साइन टी अपॉन टी डीटी, कम से कम चार बार पूछा है, कम से कम यही मैंने देखा है भैया, बेसिकली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कम से कम चार बार। चलिए तो मैंने क्या बोला, आप अंधे बन जाओ, आप इसको मत देखो, अब सिर्फ देखो क्वेश्चन को क्या दिख रहा है, बोले अरे सर ये डिवीजन बाय टी है, देखो अंधे बनो, बोले सर ये डिवीजन बाय टी का क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, हाँ हम कर सकते हैं, अगर इसको और इसको हम लोग ढक देते हैं, क्या दिख रहा है हमें, तो ये दिख रहा है साइन टी अपॉन टी, हमें तो यही दिख रहा है, तो क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्यों बड़ा इजी लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही सही, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। चले बेटा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी निकाल लेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी निकालना मतलब क्या बेटा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 1t निकालना, क्योंकि यहां पर 1 क्या है बेटा आपका कोफिशिएंट है जो छुपा हुआ है, t को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1t लिख सकते हैं। चलिए तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलोगे यस सर, देख लो बेटा क्या होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर देखो बेटा a की जगह पर कौन है 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले साइन t का क्या निकाला, लैपलास निकाला, बोलोगे यस सर, साइन t का हमने क्या किया बेटा, लैपलास निकाला, क्या निकला 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, डिविजन बाई टी भी ले आते हैं, क्योंकि आप अगर इसको ढक दोगे तो दिख क्या रहा है आपको, साइन t अपॉन टी। चलो तो डिवीजन बाय टी, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी डिवाइड में अगर आप टी लेकर आओगे बेटा तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा आपको,
इंटीग्रेट एस से लेकर इंफिनिटी वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, या तो एस स्क्वायर प्लस वन ही लिख दो, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देख लो बेटा। सबसे पहले साइन टी का निकाला, क्या निकला, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। डिवीजन बाय टी लेकर आएंगे बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में टी से डिवाइड होगा, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा एस से लेकर इंफिनिटी तक। चलिए क्लास 11 12 में एक फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स, ये एक पहला फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ। ठीक है बेटा, चलिए एक्चुअल में गेट वाला बुक जो है ना वो छूट गया मेरा भोपाल में, वरना मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चंस में दिखाता कि हाँ देखो ये साल में पूछा हुआ, इसका साल मुझे याद नहीं है। ठीक है चलो, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स s। ठीक है बेटा, चलो देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होता है, tan इनवर्स x होता है इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स s हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या होगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस, क्योंकि पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देख लो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, एस के जगह पर एस आ गया, पहले अपर लिमिट क्या आया था, एस के जगह पर इंफिनिटी आया था। चलो तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाय टू। लो ना भाई, गेट का क्वेश्चन है ना ये, साला पूरा बेसिक खंगाल देता है। अगर आपने क्लास 11 12 में फाकी मारा ना बेटा, वो पूरा बिल बढ़वा दे रहा है। टॉपिक पढ़ के आ रहे हो, कहां कहां से चीजें आ रही भाई। ठीक है चलो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, ठीक है देखो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है बेटा, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स s। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक रिलेशन आपको और पता होना चाहिए भाई, गेट का क्वेश्चन है, इज्जत करो। क्या, पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स x। तो मेरा प्यारा बच्चा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एस। क्या हो जाएगा बेटा, कॉट इनवर्स एस। तो लो देख लो, दिस इज द प्योर कंसेप्ट ऑफ क्लास 10th एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास 11th। लो भैया, भले आप इंजीनियरिंग क्यों ना पढ़ रहे हो भाई, बेसिक क्लियर होना चाहिए, गेट एग्जाम्स के क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर बेसिक खराब है तो भाई यहां पर आके फंस जाओगे। टेन इनवर्स इंफिनिटी अगर भूल गए पाई बाई टू होता है, कहानी खत्म। चलो अगर याद है कि पाई बाई टू होता है, अब आपको ये रिलेशन याद नहीं, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, अब यहां पर फंस गए, है ना। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट, आगे भी और भी करना है ना। चलो, अरे टेंशन नहीं लेते बेटा, अपन मेहनत करते हैं। चलो, सो फाइनली हमने क्या निकाल लिया बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, ये निकला आपका कॉट इनवर्स एस। ठीक है चलिए, तो इसको नोट करो बेटा, फिर मैं आगे करवाता हूं, आजान हो जाए। चलिए बेटा, तो हमने क्या निकाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय टी क्या होता है बेटा, कॉट इनवर्स एस होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जीरो से लेकर टी डीटी भी है, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, जीरो से लेकर टी डीटी इंक्लूड कर देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से लेकर टी साइन टी अपॉन टी डीटी, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या करना, एस से डिवाइड कर देना है आंसर में, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एस अपॉन एस, यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। एकदम छोटी सी चीज है कि आप अगर मेरे प्यारे बच्चों जीरो से टी डी टी लेकर आ रहे हैं,
देखो लैपलास में हम क्या लेकर आ रहे हैं, जीरो से लेकर टी डी टी हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करो, बस एस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको फटाफट क्या करो, नोट करो। एक क्वेश्चन में और करवाता हूं, इसी से बेस्ट है ना, तो वो भी गेट में पूछा हुआ, तो उस क्वेश्चन को भी यहां पे ले लेते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा और आप लोगों के लिए भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार का है ना, मुझे ध्यान है, मैं लिख देता हूं एक मिनट। ठीक है देख लो, है ना, दिखने में कोई बुराई थोड़ी ना बेटा, कौन सा आपसे फीस ज्यादा मांग रहा हूं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से लेकर टी ई का पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी, ये आपका क्वेश्चन था, पूछा हुआ है आपके गेट एग्जाम ने। ठीक है चल, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, साइन टी अपॉन टी तक तो हम लोग पढ़े हुए है ना, हम लोगों को ये पता है, अभी जस्ट पढ़े हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एस। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, अगर हम लोग ई का पावर माइनस टी लेकर आते हैं, आप सभी को पता है कि जब आपका एक्सपोनेंशियल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, कुछ माइनस होगा, क्योंकि यहां पर क्या यूज होगा बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस लैपलास ट्रांसफॉर्म में ई का पावर माइनस टी भी आए। ठीक है तो चलिए ले आते हैं, तो ई का पावर माइनस टी ले आओ, तो जब e का पावर माइनस टी आएगा, देखो बेटा जब e का पावर ए टी आता है तो क्या होता है, राइट हैंड साइड में s माइनस ए होता है, तो जब e का पावर आपका माइनस टी आएगा, मतलब e का पावर माइनस वन टी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये राइट हैंड साइड में क्या करेगा, s माइनस माइनस वन, इसका मतलब s प्लस वन, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स s प्लस वन। ठीक है देखो बेटा, जब आपका एक्सपोनेंशियल आया तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, आपका s प्लस वन हो जाएगा s के जगह पर। यहां पर क्या यूज हो रहा है बेटा, यहां पर यूज हो रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग। ठीक है, अभी जस्ट हमने निकाला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या होता है, कॉट इनवर्स s, e का पावर माइनस टी लेकर आए तो s के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, s प्लस वन हो जाएगा। चलो और एक चीज और हम लोग यहां पर इंक्लूड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी डीटी। तो सभी गधे को पता है कि अगर आप इंटीग्रेशन जीरो से टी डीटी लेकर आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, एस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप जीरो से टी डीटी लेकर आ रहे हो बेटा, तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, एस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एस प्लस वन अपॉन एस, यही आपका क्या है बेटा आंसर है। गेट में दोनों ही क्वेश्चन आपके दो दो मार्क्स के पूछे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को शेयर करो, बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूं, गर्मी थी फिर भी रहने दो, तकलीफें हैं रहने दो, वोल्टेज कम है रहने दो, हवा नहीं लग रहा रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, एनर्जी कभी भी कम नहीं करना है, कुछ करके दिखाना है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, इसके बाद हमारा आखिरी डेमो क्लास होगा, आपको फिर अच्छा लगता है तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाइए, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, कोर्स फीस है आपका 799, वैलिड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए एक बार आपको पे करना है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए 150 रुपये महीना सबसे कम, और नहीं पढ़ने वालों के लिए 799 रुपये बहुत ज्यादा। ठीक है चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए बेटा, इसी तरीके से हम लोग इंजॉय करके पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, आप एग्जाम्स भी क्लियर करोगे एंड यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है बाय बाय टाटा।